एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 इन विच क्वाड्रेंट आर ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, कि किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे, एक्सिस यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जो पॉइंट्स दिए -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5 लाई, यानी ये जो पॉइंट्स दिए हमें ये कहाँ पे लाई करते हैं, किस क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं या किस एक्सिस पे लाई करते हैं, पहले ये बताना है हमें। वेरीफाई बाय योर आंसर बाय लोकेटिंग देम, इनको हमने लोकेट करके, ठीक है, ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हो गया जो आपको बताया था मैंने, प्लेन कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं इसको हम, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं इसको हम, और हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। और जो एक्सिस होती है वो मैंने पहले ही बताया क्या होती है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें पहले ये पॉइंट लोकेट करने हैं, फिर बताना है किस किस कोऑर्डिनेट या किस एक्सिस पे लाते हैं। पहला पॉइंट है -2, 4, ये ग्राफ मैंने ड्रा किया है। कैसे अब हमने पॉइंट लोकेट करने हैं, पहले आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस लेनी है, फिर वाई एक्सिस लेनी है। ये आप ग्राफ पे भी लोकेट कर सकते हो, आप नोटबुक पे भी कर सकते हो। जब नोटबुक पे करोगे तो आपने 0 जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, जो डिस्टेंस लेना है पॉइंट का 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 0 to -1, इस तरह 0 to 1 वाई एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस लेना है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, चाहे वो 1 सेंटीमीटर का हो, चाहे 1.5 सेंटीमीटर का हो, चाहे 2 सेंटीमीटर का हो, हर एक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे, ये ध्यान रखना है। या फिर ग्राफ पेपर लेके उस पे भी आप ये ड्रा कर सकते हो। पहला है -2, 4, तो पहले हम जाएंगे 0 से स्टार्ट करना है, -2, 4, 0 से कहाँ गए हम, -2 यानी लेफ्ट साइड, पहली वैल्यू एक्स की। अब है 4, 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो नॉर्थ की तरफ, नेगेटिव होगा तो साउथ की तरफ। वाई की वैल्यू हमेशा ऊपर और नीचे, एक्स की वैल्यू हमेशा राइट और लेफ्ट साइड, तो -2 अब 4 है, 4 पॉजिटिव, 1, 2, 3 और 4, ये -2 और ये 4 जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को हम बोलेंगे -2, 4। इस पॉइंट का आप नाम दे दो, ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, पी दे सकते हो, कुछ भी नहीं दोगे तब भी ठीक है, लेकिन उधर एक सर्कल करके डॉट डाल के आपने लिखना है -2, 4, ये ध्यान रखना है। मैंने रेक्टेंगुलर ये बनाया, रेक्टेंगल की तरह आप ये परपेंडिकुलर भी ड्रा कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मेन डॉट या सर्कल उस पॉइंट पे होना चाहिए जिसकी वैल्यू -2, 4 है। सेकंड है हमारा 3, -1। अब 3, -1, पहले 0 से 3 पॉजिटिव है, 1, 2, 3 पॉजिटिव। अब -1 कहां जाएगा, नीचे, नीचे आपने -1 जाना है बस, तो यहां पे ये -1 वाली वैल्यू और 3 वाली वैल्यू मिलेगी, वही पॉइंट आपका क्या होगा, 3, -1। एक्स की वैल्यू एक्स हॉरिजॉन्टल, ये 3 वर्टिकल, -1, तो ये आया 3, -1। थर्ड है -1, 0, तो 0 से पहले हम जाएंगे -1 यहां पे। अब 0 है, वाई की वैल्यू ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यानी 0 है तो यहीं पे वैल्यू आएगी, तो -1, 0 यहीं पे होगा। मैंने बताया यहां सर्कल कर लो या मोटा सा थोड़ा सा डॉट डाल लो। नेक्स्ट है 1, 2। अब 0 से पहले हमने जाना है 1, ये आया 1। अब 2 पॉजिटिव है तो 1 और 2, तो ये 1 और ये 2 जहां मिलेंगे वो होगा 1, 2। आप परपेंडिकुलर भी ड्रा कर सकते हो यहां से, एक्स एक्सिस वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 2 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 1, तो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्स की वैल्यू, वर्टिकल वाई की वैल्यू, तो 1, 2। और लास्ट है -3, -5। 0 से -3 -1, -2, -3। अब -5 नेगेटिव है तो नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4 और -5, इधर -5 लिखा नहीं है, ये हम लिख देंगे -5, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आई -5। अब -3 गए पहले, फिर -5, 1, 2, 3, 4, 5 डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो -5 और -3 वाली वैल्यू और -5 वैल्यू जहां मिलेगी वो होगी -3, -5। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -3, वर्टिकल डिस्टेंस -5। ये -3 है, यहां भी -3 होगा, ये भी -5 है, ये भी माइनस। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर का
ये आपकी एक्स की वैल्यू, और वर्टिकल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो वाई की वैल्यू। हॉरिजॉन्टल हमेशा वाई एक्सिस पे होगा परपेंडिकुलर, और वर्टिकल हमेशा एक्स एक्सिस पे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये पॉइंट हमने लोकेट कर दिया, अब हमने क्या बताना है किस क्वाड्रेंट या किस एक्सिस पे ये लाई कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक बार बता दूं, जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले ड्रा करनी है, जहां पर ये मिलेंगी वो जीरो होगा यानी ओरिजिन, वहां से लेफ्ट साइड, राइट साइड, नॉर्थ, साउथ, कम से कम पांच पांच पॉइंट ड्रा कर लो, छः छः कर लो, चार चार कर लो, सात सात कर लो, जितना मर्जी करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम उतने हमने ड्रा करने हैं जितनी वैल्यू हमें गिवन दी है। जैसे यहाँ पर फोर पॉजिटिव हाइएस्ट थी, माइनस फाइव नेगेटिव हाइएस्ट थी, तो नेगेटिव माइनस फाइव है और पॉजिटिव फोर है, उसी हिसाब से हमारी सारी वैल्यू ग्राफ पे लोकेट हो जाए, ठीक है। तो उसी ढंग से हमने ग्राफ ड्रा करना है। हमें पूछा था ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्लस प्लस एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि पहले हम एक्स लेते हैं फिर वाई, तो नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस की कहाँ आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब पहली वैल्यू हमें पूछी थी माइनस टू कामा फोर किस क्वाड्रेंट या किस एक्सिस पर लाई कर रही है, तो माइनस टू कामा फोर, ये माइनस टू कामा फोर कहाँ लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस टू कामा फोर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड थी थ्री कामा माइनस वन, ये थ्री, ये माइनस वन, थ्री कामा माइनस वन कहाँ लाई कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड पार्ट था माइनस वन कामा जीरो, तो माइनस वन कामा जीरो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, या नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस लिख लो, या एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, माइनस वन कामा जीरो लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट था वन कामा टू, तो वन कामा टू कहाँ लाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लास्ट पार्ट था माइनस थ्री कामा माइनस फाइव, तो माइनस थ्री कामा माइनस फाइव कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट जो दिए थे हमें गिवन, ये कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, माइनस टू कामा फोर, थ्री कामा माइनस वन, माइनस कामा वन जीरो, वन कामा टू और माइनस थ्री कामा माइनस फाइव, ठीक है। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, जहाँ जहाँ लाई करेंगे वहीं लिख रहे हैं और कहाँ किस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके।